MPSC प्रीलिम्स के लिए जो यूनिट 8 में करेंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स सेक्शन है, इसके लिए कुछ उपयोगी इम्पोर्टेंट कंटेंट पे हम बात करेंगे। करेंट अफेयर्स कितना पढ़ा जाए, कहाँ तक पढ़ा जाए, तो करीब लास्ट वन ईयर, वन एंड हाफ ईयर्स की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के करंट के कुछ चीज़ों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले रहे हैं, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे जो भी चीज़ें हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है शकुंतला हरक सिंह थिलसेस्ट को, है ना, इनका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, विश्व खाद्य पुरस्कार। मेन हेडिंग डालेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार, इसे फूड सेक्टर का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को, शकुंतला देखिए पूरा नाम इनका, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट, हरक सिंह थिल्क स्टेट को यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण है यह पुरस्कार, हर साल 16 अक्टूबर को दिया जाता है विश्व खाद्य दिवस पर, हालांकि इस बार थोड़ा लेट हो गए। और ये वर्ल्ड लेवल पर जो FAO है, एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। 1945 में यह संस्था बनी थी, पहली बार 1987 में MS स्वामीनाथन को यह पुरस्कार दिया गया था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1987 से ही यह पुरस्कार चालू हुआ है, और पहली बार यह पुरस्कार जो 1987 में दिया गया था वो MS स्वामीनाथन को दिया गया था, जो भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हरित क्रांति के क्षेत्र में, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को पुरस्कार दिया गया था। करीब $2.5 लाख की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है, जो वर्ल्ड फूड फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। ये संस्था जो मुख्य तौर पे काम करती है न्यूट्रिशन के लिए करती है, और आप समझ रहे हैं कि वर्तमान दौर में फूड मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे भोजन की गुणवत्ता हो, उसकी मात्रा और उसकी उपलब्धता, और हम किस तरीके से भोजन की क्वालिटी में सुधार करें और भोजन के क्वालिटी के साथ उसकी मात्रा, उसकी उपलब्धता में सुधार करें, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट में खाद्यान्न की भूमिका महत्वपूर्ण रहे। और इसी संदर्भ में डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को यह पुरस्कार दिया गया है खाद्यान्न मैनेजमेंट के लिए। अगली हेडिंग लिखेंगे राजद्रोह चर्चा में, राजद्रोह, ये टर्मोलॉजी आपने अभी सुनी होगी, काफ़ी चर्चा में रही, है ना। ये यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया, शकुंतला हरक सिंह थिलक स्टेट को, ना, याद रखेंगे FAO के द्वारा दिया जाता है। ये राजद्रोह को लेकर एक चर्चा करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है, आपने कुछ दिनों पहले पेपरों में पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार को जो है दो समाचार चैनलों को, एक कार्रवाई जो वहाँ की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, तो देशद्रोह की के ऊपर वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो दो चैनल थे उनके ऊपर एक कार्रवाई की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो सेडिशन ऑफ लॉ है इंडिया में, राजद्रोह का मामला, राजद्रोह को अंग्रेजी में सेडिशन कहते हैं, तो जो सेडिशन ऑफ लॉ है, इसके एक सिंपल मेजरमेंट डिसाइड किए जाने चाहिए ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हुआ ये था कि जो चैनल थे उन्होंने राज्य सरकार पर, राज्य में COVID-19 के दौरान जो मीडिया कवरेज की थी, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करी गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार की कुछ निगेटिव चीज़ों को दिखाया गया था, इससे वहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने उन चैनलों को बैन किया और उन पर राजद्रोह का मामला लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नहीं के एक पॉइंट बना लेंगे, IPC की 124A के अंतर्गत आता है, IPC इंडियन पैनल कोड के 124A के अंतर्गत राजद्रोह का मामला लगता है, 143A के अंतर्गत राजद्रोह का मामला जो है वो लगता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेडिशन इज़ द क्राइम ऑफ अंडर द 124A इन IPC। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टिंग ऑफ टू तेलुगु लैंग्वेज चैनल्स टू कंसर्व एक्शन इन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड टाइम टू डिक्लाइन ऑफ लिमिट्स ऑफ सेडिशन, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, 124A इम्पोर्टेंट है। नीचे लिख लेंगे जो IPC की दंड संहिता है, उसमें 124A में लिखा है कि कोई बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द या संकेत या दृश्य अगर घृणा का भाव पैदा करते हैं,
तो ये जो है राजद्रोह के अंतर्गत आएगा और इसमें 3 आजीवन कारावास या 3 साल की सज़ा या जुर्माना आपको देना पड़ेगा, है ना। ये तमाम चीज़ें हैं। तो साथ ही इसमें एक रूल है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोक दिया जाएगा अगर आपने राजद्रोह का कोई मामला किया है, आपके ऊपर लगा है। तो ए पर्सन टू चार्ज अंडर द लॉ ऑफ सेडिएशन द बेयर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं मिलेगा अगर आपने ऐसा कोई किया है, स्टेटमेंट जारी कर दिया है, तो आप पे 124A का सेक्शन लग जाए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा राजद्रोह का मामला जिसमें किस राज्य सरकार ने वहाँ के निजी चैनलों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इसके लिए गाइडलाइन यहाँ पर आना चाहिए। तो धारा 124A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेडिशन को लेकर है, सेडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार की छोटी छोटी हेडिंग्स के माध्यम से चीज़ों को आप पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करंट की चीज़ों से ही बनते हैं। चलिए अगला एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, कप्पा डेल्टा इंपॉर्टेंट है। कप्पा डेल्टा भारत में पाए जाने वाला कोरोना वायरस है, ये है ना। कोरोना पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कोरोना वायरस क्या है और इस पर ही कोरोना ही चल रहा है पूरे देश में इस समय, लेकिन परीक्षा में कप्पा डेल्टा से क्वेश्चन आ सकता है। तो कप्पा डेल्टा भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के टाइप्स हैं। जो पहला वाला WHO ने हाल ही में इनका नामकरण किया है, इनके बारे में इस कोरोना वायरस डिसीज जो कोविड है उसके बारे में बोला है उन्होंने। तो कप्पा जो है B16171 है ना, B16171 है ना, B16171, और ये जो डेल्टा है वो है B16172 है ना, ये B16171 कप्पा है और B16172 जो है ये डेल्टा। मुख्य परीक्षा में ये 10 शब्दों में लिखने में बन सकता है, 3 मार्कर में कप्पा डेल्टा क्या है ना, इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, जो करेंट अफेयर्स वाला सेशन है साहब, ये हम लोगों ने प्रतिदिन लेना है। हमारा कोशिश रहेगा कि यूनिट 8 वाला जो सेक्शन है, ये यूनिट 8 एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगी, तो अगले 30 जो लेक्चर्स होंगे उसमें 30 लेक्चर्स में हम करंट अफेयर्स के करीब करीब 20 लेक्चर और स्पोर्ट्स के करीब करीब 10 लेक्चर, तो ये पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, ये 10-10 दिन में, ये 40 दिन में ये हो जाएगा। और फिर GS में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे साइंस है इसको आप 15 दिन दे दीजिए, ज्योग्राफी है इसको 10 दिन दे दीजिए, हिस्ट्री है इसको 10 दिन दे दीजिए, पॉलिटी है इसको आप 7-8 दिन दे दीजिए, इकोनॉमी है इसको आप 7-8 दिन दे दीजिए, तो आपका मैक्सिमम 10 यूनिट आपका इत्मीनान से कवर हो जाएगा। कप्पा डेल्टा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल काम का करेंट पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी MPPSC प्रिलिम्स के ही दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर चर्चा करें। साइक्लोन लिखेंगे आप, काफ़ी साइक्लोन रहे, साइक्लोन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लेकिन करेंट अफेयर्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी हिंद महासागर में जो आमतौर पर चक्रवात आते रहते, तो ताउते जो है अभी हाल ही में आया था, और ये ताउते जो है बेसिकली दमनद्वीप और लक्षद्वीप के साथ साथ है ना, इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बना लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जब हुदहुद और फैलीन इस प्रकार के चक्रवात हमेशा पूछते रहा है साइक्लोन, तो आपको मैं बता दूं कि पूरे विश्व में करीब 62 टाइप के साइक्लोन्स आते हैं 1 ईयर में, उसमें से 22 के आसपास जो है वो एशिया में आते हैं, उसमें से 8 के करीब जो भारत में आते हैं, उसमें भी जो 6 हैं वो बंगाल की खाड़ी में और करीब 2 अरब सागर में आते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चक्रवात। हम लोग एक साइंस जो यूनिट 7 है उसका लास्ट पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं, वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे लेकिन हम करंट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो जो ताउते हैं, ताउते के बारे में आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ताउते, है ना, ताउते इंपॉर्टेंट है, ताउते काफ़ी इंपॉर्टेंट चक्रवात है, साइक्लोन है। तो ये बेसिकली ताउते का प्रभाव कहाँ कहाँ रहा, ताउते बेसिकली हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों को इसने कवर किया। ये उष्णकटिबंधीय जो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो अप्रैल से जून के बीच में आया और आमतौर पे अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में साइक्लोन्स आते रहे हैं। और चक्रवात जो है एक प्रकार के वायुमंडलीय विचलन से बनते हैं, तेज इसमें तूफान आते हैं, विषम मौसम की परिस्थितियां बनती है, लो प्रेशर वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ताउते बेसिकली दमनद्वीप और लक्षद्वीप में देखने को मिला, है ना, ये दमनद्वीप और आपके लक्षद्वीप में देखने को मिला। आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये दमनद्वीप और ये आपका लक्षद्वीप हो सकता है, दे देगा ताउते कहाँ पे आया, दमनद्वीप है, लक्षद्वीप है। इसके अलावा जो इसका कुछ प्रभाव देखने को मिला
वो बेसिकली महाराष्ट्र गोवा है ना, महाराष्ट्र गोवा केरला गुजरात कर्नाटक के पूरे के पूरे बेल्ट में आपको देखने को मिला। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे ये आपके गुजरात में देखने को मिला, गुजरात के बाद ये आपके महाराष्ट्र में देखने को मिला, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद आपकी ये नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे आपके गोवा में देखने को मिला, ये आपके इधर कर्नाटका में देखने को मिला है ना, ये आपके इधर केरला में देखने को मिला है ना। तो आपको मैं बता दूँ पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया, हम थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो ये केरला गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका है ना, ये जहाँ पर कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट बना है, पूरा कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट वाले पूरे पट्टी पे वेस्टर्न घाट पे ताउते का प्रभाव देखने को मिला। देखिए साहब क्या होता है, परीक्षा में जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती हैं, और हमें करंट अफेयर्स 1.5 साल का पूरा परफेक्ट करना है ताकि यूनिट 8 का कोई भी प्रश्न हम गलत ना करें। इसके अलावा अभी एक और तूफान जो है यास, वो चर्चा में रहा यास, ये बेसिकली उड़ीसा में आया था यास है ना, ये यास जो तूफान है आप ऐसा डायग्राम बना करके, ये जो उड़ीसा वाला बेल्ट है ये ईस्टर्न घाट में, ये उड़ीसा में जो बेसिकली एक जगह है बालासोर है ना, उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, वहाँ पर ये इस प्रकार का एक साइक्लोन जो है दक्षिण बालासोर के दक्षिण में देखने को मिला, और इम्पोर्टेंट है ये, और साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाते हैं जबकि एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो आमतौर पर चक्रवात बहुत महत्वपूर्ण है, चक्रवात के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, बहुत सारे बैड इफेक्ट्स भी होते हैं, हम नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में समझेंगे। हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं, जैसे अटलांटिक में आपके हरिकेन आते हैं, अटलांटिक में हरिकेन आते हैं, दक्षिण के चीन सागर में टाइफून आते हैं, दक्षिण के चीन सागर में टाइफून आते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है वहाँ पर विली विली आते हैं है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली आते हैं। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर हियर नाउ, और ये ताउते इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताउते एंड याश, ताउते एंड यास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, याश एंड ताउते, याश आप याद रखेंगे, याश और ताउते ये बिल्कुल भी ना भूलने वाली चीज़ें हैं, इनको आप अपने जहन में अपने दिमाग में इसको सेट कर लें और बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ पे आएगा कुछ नहीं है ना। ताउते ताउते है ना, ताऊ लिख लेंगे यहाँ पे ताउते के बारे में है ना, ताउते 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 और याश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनेगा। विश्व तम्बाकू दिवस लिख लेंगे अंडरलाइन करके, विश्व तम्बाकू दिवस, बिल्कुल काम की बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, सबके एफर्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वो पढ़ना है हमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है वो 31 मई 31 मई को, और छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध इस बार की थीम है, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको 1987 से चला रहा है। आप जानते हैं कि भाई तम्बाकू से फेफड़े में कैंसर हो जाता है, लीवर में कैंसर हो जाता है, मुंह में कैंसर हो जाता है ना, गर्भाशय में कैंसर हो जाता है, कोलन कैंसर हो जाता है, तो इससे बचना चाहिए, और तम्बाकू के सेवन को रोकने के लिए और स्वास्थ्य में होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस प्रकार 31 मई को विश्व तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, दिमाग में रखेंगे इसको आप। हाल ही में जीएसटी परिषद चर्चा में रहा, जीएसटी परिषद इसकी 43 नंबर की बैठक हुई, जीएसटी की 43 नंबर की बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की, और अक्टूबर 20 में ये हुई थी, अक्टूबर 20 में ये हुई थी, इसके बाद अभी हुई, और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा किया गया, नीचे लिखेंगे पॉइंट बना के कि ये जीएसटी काउंसिल जो है ये जीएसटी के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 के अंतर्गत, आर्टिकल 279 के अंतर्गत ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी से रिलेटेड डिस्कशन के लिए, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ आर्टिकल 279A एंड मेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इशूज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर, जहाँ आप टैक्सेस सिस्टम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, और ये जीएसटी काउंसिल की खास बात यह है कि इसकी केंद्र के पास 1/3 वोटिंग शक्ति है, 1/3 वोटिंग शक्ति केंद्र के पास है,
और 2/3 राज्यों के पास है, 2/3 राज्यों के पास है, 1/3 शक्ति जीएसटी के मामलों में केंद्र के पास है और 2/3 शक्ति राज्यों के पास है, और कोई भी बहुमत का जो निर्णय होगा वो 3/4 से 3/4 से लिया जाएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द काउंसिल ऑफ डिवाइज द वे ऑफ द सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर एंड द स्टेट इज हैव 2/3 पावर्स एंड द डिसीजन ऑफ टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल इन द 3/4 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जीएसटी काउंसिल में जो भी जजमेंट होंगे वो 3/4 की बहुमत से लिए जाएंगे, थोपे नहीं जाएंगे निर्णय, है ना। डेमोक्रेसी के अंदर हम सहयोगी संघवाद वाले देश हैं और हमारे वित्तीय सहयोगी संघवाद का इस समय दौर चल भी रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट आई है, थोड़ा लिखेंगे। आरबीआई रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग जो यूनिट 6 है उसमें जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें अलग से आरबीआई और वित्तीय संस्थाएं हमने पढ़ना है, जिसमें हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो NFCs वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। हो सकता है उसका कल एक लेक्चर हम लें इंडियन इकोनॉमी का भी, और उसमें सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। और ये बोला गया है कि अमेरिकन डॉलर के सामने जो रुपया है वो 3.5% मजबूत हुआ है। ये मार्च तक की स्थिति है, है ना। अमेरिकन डॉलर के सामने हमारा रुपया 3.5% मजबूत हुआ है, और वैसे भी अभी डिजिटल तरीके से पेमेंट्स हो रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। द COVID-19 पेंडेमिक इंक्रीज द प्रोलिफिकेशन ऑफ द इंडिया इन द डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स हियर इन आरबीआई से दैट, और COVID-19 की महामारी के दौरान जो हमारा पेमेंट का तरीका है वो डिजिटल हुआ है काफ़ी, बैंकर्स बैंक के रूप में और आरबीआई बैंकर्स बैंक के रूप में उभरा है। और हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में इसका रिकमेंड किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, है ना। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने रिकमेंड किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने को लेकर, और ये 1 अप्रैल 1935 के एक्ट के द्वारा 1935 में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 1 अप्रैल 1935 द एकॉर्डिनेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935-4, और बहुत महत्वपूर्ण बैंक है, बैंकर्स बैंक इसको कहा जाता है, बैंकर्स बैंक कहा जाता है। इसका कार्यालय शुरू में कलकत्ता में था और 37 में फिर इसको मुंबई शिफ्ट किया गया, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था, 37 में उसको मुंबई शिफ्ट किया गया। और ओजबर्न स्मिथ पहले चेयरमैन थे इसके, ओजबर्न स्मिथ पहले चेयरमैन थे, प्रथम भारतीय सीडी देशमुख थे जो थर्ड नंबर के थे, प्रथम भारतीय सीडी देशमुख से जो थर्ड नंबर के थे। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नॉन एलिगेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नॉन एलिगेंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा समझिए क्यों चर्चा में। ये अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे हर्षवर्धन सिंह हैं, हर्षवर्धन जी, उन्होंने अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करी है, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और नॉन एलिगेंट मूवमेंट, हालांकि पुरानी बोतल में नई शराब भरने जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, अभी उपयोगिता उतनी नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1961 में ये बना था और 120 देश इसमें शामिल है। 1961 में नॉन एलिगेंट मूवमेंट बना था और 120 कंट्रीज इसमें अभी रिसेंटली शामिल हैं, और जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है इसका, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है इसका। इसके जो प्रमुख हैं वो हैं टेंड्रोस अधोनोम घेब्रोसियस, टेंड्रोस अधोनोम, शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, टेंड्रोस नाम लिख लेंगे इनका, टेंड्रोस अधोनोम घेब्रोसियस, घेब्रोसियस द रिसेंटली दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड, महानिदेशक हैं ये वर्तमान में। और ये चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोविड महामारी को कंट्रोल करने को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन एलिगेंट मूवमेंट। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन इज अटेंड द
मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्चुअल चैनल ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स एंड नॉन अलाइनमेंट एलिमेंट कंट्रीज एंड WHO भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत था, जो WHO के कंडक्शन में सारी चीज़ें हुई और कोविड पैंडेमिक के कंट्रोल को लेकर डिस्कशन यहाँ पर हुआ। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, 120 देश इसमें शामिल हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब बना? 1961 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है पूछा जा सकता है? जकार्ता में है, है ना, तो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए CBI चर्चा में है। बंद पिंजड़े में तोता जब चर्चा में था तब 2013-14 में PSC प्री में पूछा गया था, अभी फिर से चर्चा में है। एक्चुअल में सुबोध कुमार जायसवाल को इसका प्रमुख बनाया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सुबोध कुमार जायसवाल इसके भी प्रमुख बने हैं। और ये CBI 1963 में बना था गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा, 1963 में बना था गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था इसका स्थापना, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से इसकी स्थापना हुई थी, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से इसकी स्थापना हुई थी। ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 46 के तहत इसको राइट्स प्राप्त हैं। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946 की धारा 4A, दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946, दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946 की धारा 4A के अंतर्गत इसको स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं। 4A के अंतर्गत इसको स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं, एक वैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि आपके यूनिट 10 में आयोग है, हो सकता है CBI से कुछ तरीके का क्वेश्चन पूछ ले। क्योंकि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड द सुबोध कुमार जायसवाल ऑफ न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ CBI इज अपॉइंटेड द सेक्शन ऑफ 40A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट रूल रेगुलेशन 1947 एंड द CBI वॉज सेटअप इन 1963 बाय द रिसोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड CBI इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड derives the powers of Delhi Special Police Establishment Rules 1947 in the section number 4A. और important है, अभी important है, CBI बहुत चर्चा में रहा है, question पूछ सकता है CBI के head वर्तमान में कौन है। नीचे question लिख लें, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्ति दी गई है? राहुल सचदेव, सुबोध जायसवाल, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। द आंसर इज सुबोध जायसवाल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, क्योंकि अरविंद मायाराम कमेटी की रिकमेंडेशंस आई हुई हैं, FDI से क्वेश्चन बन सकता है। मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो प्रिलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और MPPSC का जो प्री प्रस्तावित है, संभावित है, जुलाई 2021-25 तारीख को, उसके लिए जो यूनिट 8 में इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकता है प्लस स्पोर्ट्स हो सकता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे लेक्चर्स में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी रहेगी, साथ ही GS में इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी के भी इम्पोर्टेंट सेशंस रहेंगे। इसके अलावा जो यूनिट 9 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 10 है जो कमीशन्स या आयोग को लेकर है, इस पर भी कुछ स्पेशल क्लासेस हम यहाँ ले लेंगे, ताकि आपके लिए जो स्कोर कोड बोर्ड में नंबर्स हैं एग्ज़ाम के दिन, वो काफ़ी बढ़ जाएं और आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब इम्पोर्टेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करेंगे। अभी एक अरविंद मायाराम कमेटी बनी थी, जिसने भारत में किस तरीके से हम अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इस पर चर्चा करी थी, तो उस पर कुछ बातें हैं, उसको देखेंगे। लगभग 2020-21 में इंडिया का ग्रोथ 10% बढ़ा है, 10% इंक्रीज हुआ है, 10% FDI बढ़ा है हमारे यहाँ। लगभग $82 बिलियन के आसपास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा है लास्ट 2020-21 में। सारे डाटा मार्च के पहले तक के हैं, बिफोर द सेकेंड कोरोना, है ना। अब इसमें कुछ चीज़ों को लेकर के परसेंटेज डिसाइड हुआ है, उनको आप यहाँ जरूर लिख लें इम्पोर्टेंट तरीके से। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर और
एलाइड एक्टिविटीज उसमें 100% कर दिया है, एग्रीकल्चर में FDI 100% कर दिया है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए एलाइड एक्टिविटीज में, कोल माइनिंग में 100% कर दिया है, कोल माइनिंग में 100% बाहर से कोई भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है हमारे यहाँ। इसके अलावा डिफेंस में 100% कर दिया है, डिफेंस में 100% कर दिया है, है ना। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अभी सरकार ने एक पी सार्थ सोम कमेटी बनाई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर भारत में आके कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो हमारे लिए पॉजिटिव करता है तो ये एक प्रकार से हमारे लिए सेफ बोरोवर है, और सेफ बोरोवर है मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव FDI है, और हमारे देश में इस प्रकार के लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जो 2021 में हमारा इंक्रीज रहा वो 10% का रहा, करीब करीब $60 बिलियन से बढ़ करके हम $82 बिलियन तक आ रहे हैं, लगातार ग्रोथ हो रही है, 10-19% तक की ग्रोथ है पिछले एक साल में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है हमारे यहाँ और कुछ सेक्टर्स में इसमें ग्रोथ हुई है, बाहर का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, वो भी उस दौर में जिस स्थिति में आप देख रहे हैं कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पर भी हम अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। ये सरकार के पॉजिटिव वे में लेने वाली बात है, और हम आपको बता दें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग 100% कोल माइनिंग में हो गया है, एग्रीकल्चर में हो गया है, डिफेंस सेक्टर में हो गया, प्रिंट मीडिया में 26 सही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर अरविंद मायाराम कमेटी ने ये बोला था कि भाई भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, तो कुछ चीज़ों पे बात करी हमने, एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उन पर 100% कर दिया, कोल माइनिंग पर 100% कर दिया, डिफेंस पे 100% कर दिया। इसके अलावा मैंने प्रिंट मीडिया की बात की थी, प्रिंट मीडिया में 26% इसको अंडरलाइन कर लो, 26 है क्योंकि गवर्नमेंट रूट के माध्यम से आता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, गवर्नमेंट रूट के माध्यम से होता है। उसमें भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो दो रूट है हमारे, एक दिल्ली रूट है, एक बॉम्बे रूट है, और उसमें भी दो तरीके का होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, ग्रीन फील्ड जिसमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। और आज के दौर में हमें इन्वेस्टमेंट लाना है किस सेक्टर में, आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ सेक्टर, जहाँ हमको इंपॉर्टेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करवाने की ज़रूरत है, एजुकेशन सेक्टर, है ना। तो अभी हमारी सरकार को चाहिए कि वो इस दिशा में भी सोचे, है ना। 70 साल से थोड़ी सोच को अपनी उस तरीके से नहीं बढ़ा पाई सरकार जिस तरीके से बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमने बहुत कुछ सीखा भी है। और हमारी सरकारों को भी चाहिए कि वो ये समझ जाए कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे कहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और समस्याएं आई तो हमने देखा भी, उनसे हम रूबरू भी हुए कि भाई क्या बेसिक समस्याएं आती हैं जब कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आती है। खैर, अब जो अगला पॉइंट है वो है एयरपोर्ट्स, 100% कर दिया, 100% कर दिया एयरपोर्ट, टेलीकॉम 100% कर दिया, टेलीकॉम 100% कर दिया, सिंगल ब्रांड रिटेल 100% कर दिया, सिंगल ब्रांड रिटेल 100% कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के बैंक 74 कर दिया, इसको MP लगाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के बैंक में 74 इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक बाहर से आने के लिए आतुर है हमारे भारत में, लाइन लगी हुई है कि भैया हम भारत आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 74 इसको अंडरलाइन कर लें। पब्लिक सेक्टर में अभी 20% इसको इंपॉर्टेंट लगाएं, पब्लिक सेक्टर में 20% है, पब्लिक सेक्टर में 20% है, पब्लिक सेक्टर में 20% है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर के बैंक में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया वर्तमान सरकार ने। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि IDBI में निजीकरण हो रहा है, IDBI के निजीकरण को लेकर मोदी जी की चर्चा, है ना। तो ऐसा नहीं है, उनके जो डेली रूटीन के काम है जो गवर्नमेंट के वो कंटिन्यू चल रहे हैं, उनको तो पूरा देश देखना है भाई, शिक्षा भी देखनी है, स्वास्थ्य भी देखना है, पेयजल भी देखना है, भोजन भी देखना है, आवाज भी देखना है, संचार भी देखना है, संपन्नता भी देखनी है, तमाम चीज़ें देखनी है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके पास 10 यूनिट है तो आपको हर यूनिट को बराबर ध्यान देना पड़ता है कि नहीं, कि 2 यूनिट पढ़ के आप प्रीलिम्स निकाल लोगे। तो भाई ऐसी सरकार के सामने भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उनको सारे सेक्टर्स पर प्रायोरिटी के साथ ध्यान देना पड़ता है। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो है इंश्योरेंस और पेंशन में 49 है, इंश्योरेंस और पेंशन में 49 है, इंश्योरेंस और पेंशन में 49 है, इंश्योरेंस और पेंशन में 49, इसको मोस्ट टाइम भी लगाएं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बना हुआ है MPPSC 2014 का, उसमें इसका आंसर 26% था। इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर में 49% है, 49% है इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर में 49। देखिए भाई, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक बैंकिंग सिस्टम, एक इंश्योरेंस सिस्टम, एक शेयर मार्केट और एक पेंशन सेक्टर। तो उसमें बीमा क्षेत्र और जो पेंशन सेक्टर है उसमें मोदी सरकार ने 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया है। यही कारण है कि आज LIC है, GIC है और प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी 52-53 कंपनियां हैं पूरे देश के अंदर 2,33,000 करोड़ का इंश्योरेंस लास्ट ईयर में लोगों का करवाया। उसमें अकेला जो LIC है लगभग मान के चलिए 59% LIC ने कराया। तो आज की डेट में हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ हो रही है,
20% के आसपास ग्रोथ हुई है इंश्योरेंस, आदमी की क्या स्वयं की वैल्यू है वो आपने इस पेंडेमिक में समझ ली। और अभी बहुत इंश्योरेंस सेक्टर बूम कर रहा है, 20% की ग्रोथ है इंश्योरेंस सेक्टर में। पिछली बार 1,99,000 करोड़ का पूरे देश के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक इंश्योरेंस हुआ, जो सरकार की इरडा कंपनियां, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जितनी भी बीमा कंपनियां आती वो करती हैं। और उस समय जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 26% था, लास्ट ईयर में सरकार ने इस 26% को बढ़ाकर 49 किया। शायद इसी का कारण पूरे इरा के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग मान के चलिए जो 2,36,000 और 2,43,000 करोड़ तक की ग्रोथ देखने को मिली इंश्योरेंस सेक्टर में, 20% का उछाल पिछले एक साल में, ये चीज कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा है वहीं से ग्रोथ मिली है। तो ये आप जरा पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से निस्संदेह क्वेश्चन बनना चाहिए। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। देखिए, हम जिस तरीके से काम करने वाले हैं, बड़ी प्लानिंग नहीं छोटे लक्ष्य बना के काम करें, बड़ी प्लानिंग अक्सर बिगड़ जाती है। इंडियन सारे गुड प्लानर बट ए बैड इंप्लीमेंटर्स। तो ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं करिए, आप बड़े आराम से बढ़िया यूनिट 8 जो है उसको रोज पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहिए, क्योंकि जितना आपने बेसिक पढ़ रखा है, जितना आपको कोर याद है, जितना आपने अप्लाइड पढ़ रखा है, वो तब तक का काम का नहीं है जब तक उसमें करेंट अफेयर्स और कंटेम्प्ररी इशूज़ को आप नहीं जोड़ोगे। और इसीलिए यूनिट 8 को आप डेली पढ़ते चलो, आपकी वहाँ पर कंप्लीट होगी यूनिट 8। 10 यूनिट है, हर यूनिट से 10-11 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, कहीं से 8 या 9 आए तो कहीं से 11-12 आ जाएंगे। वैसे फिर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर चर्चा करो, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का जो पूरा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है, इसी अलावा जनरल स्टडीज़ में साइंस है पूरा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंडिया की इकोनॉमी है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत है, पॉलिटी राजव्यवस्था है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आयोग है, हर उसको चीज़ को टॉपिक को एक एक बार देखो समझो और फिर वहाँ पे अपनी तैयारी को क्या दिशा देनी है उस पर आप चिंतन करो मनन करो, है ना। करेंट में जो अगला टॉपिक है वो है COP26 कॉमन ऑफ पार्टीज 26, पर्यावरण को लेकर के बैठकें होती रहती हैं और ये इसलिए चर्चा में क्योंकि 2023 में जो कॉमन ऑफ पार्टीज़ है इसकी बैठक जो है होनी है ना, इम्पोर्टेंट है। और कॉमन ऑफ पार्टीज़ की 2026 वाली जो बैठक थी, जो नवंबर वाली, वो स्थगित हो गई है। ये नवंबर वाली जो बैठक है बेसिकली नवंबर 2021 वाली जो बैठक है ये बेसिकली ग्लासगो में होनी थी। अब ग्लासगो में आपको लग नहीं रहा है कि आने वाले नवंबर तक की स्थिति सुधरेगी नहीं सुधरेगी ग्लोबल लेवल पे, है ना। और हमने पर्यावरण की क्या हालत कर दी वो आप समझ रहे हैं, है ना। परिधन आवरण पर्यावरण, पहले हमने पर्यावरण ने हमको घेरा था, आजकल हमने पर्यावरण को घेर लिया है। और ये जितनी भी सब प्रॉब्लम आप वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल पर अपने राज्य में जिले में गांव में शहर में देख रहे हैं, ये सब पर्यावरण को आपने जो कदर नहीं किया उसी का है नतीजा। और हम हमेशा पढ़ाते भी हैं नियतिवाद, नवनियतिवाद और संभववाद, है ना। प्रकृति ने जो दिया है वो नियतिवाद है और प्रकृति से बड़ा मनुष्य अपने आप को ना समझे, और नवनियतिवाद में मनुष्य को लगता है वो प्रकृति से बड़ा है, और आज जरूरत संभववाद की है कि प्रकृति के साथ मनुष्य कंधे से कंधा मिला के चले, लेकिन प्रकृति से बड़ा अपने आप को ना समझे, क्योंकि प्रकृति प्रकृति है और नेचर ऑल्सो इज ग्रेटर देन ऑफ ह्यूमन। तो ये चीज़ समझना है। लेकिन अब COP26 काम की नहीं है, और COP1 जो हुई थी वो हुई थी 1995 में बर्लिन में, है ना। COP एक्चुअली ब्रिटेन की पुलिस को कॉप कहते हैं, कॉप का मतलब वैसे साथी होता है, यहाँ पे कॉमन ऑफ पार्टीज है, पर्यावरण को लेके सबमिट्स होती रहती हैं। अगली जो कॉमन ऑफ पार्टीज की बैठक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो एक संस्था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ये संस्था कराती है। तो अब जो COP28 की जो बैठक है ये 2023 में होनी है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और 2023 वाली जो बैठक है ये बेसिकली होगी आपके अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, क्योंकि COP26 स्थगित हो गई है, संयुक्त अरब अमीरात में होगी और ये इम्पोर्टेंट है। और 1992 में जब यहाँ पर पर्यावरण पर एक गहन चर्चा चालू हुई और इन्वायरमेंट को लेकर के जो 92 में रियो सम्मेलन हुआ, तभी से एक चर्चा चालू हो गई थी कि भाई पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर काम होना चाहिए। तो जो रियो सम्मेलन हुआ और रियो डे जेनेरो में 92 में रियो सम्मेलन हुआ, ये पृथ्वी को बचाने के लिए हुआ। उसके बाद 2002 में जो है वो जोहान्सबर्ग में हुआ, 2012 में फिर रियो में हुआ और 2022 में फिर जोहान्सबर्ग में होना है। तो जस्ट जोहान्सबर्ग के बाद हम मिलेंगे COP28 के अंदर, और COP28 अब होगी अबू धाबी में,
है ना, ये इंपॉर्टेंट है साहब। इंपॉर्टेंट ये है साहब कि यूएई में अबू धाबी में होना है, क्योंकि 92 में रियो डी जनेरो में हुआ, यहाँ जोहान्सबर्ग में हुआ 2002 में, 12 में फिर रियो में हुआ, और 2022 में फिर ये जोहान्सबर्ग में होगा, है ना। और ये यहाँ पे जोहान्सबर्ग के बाद जो अगली मीटिंग होगी वो COP23 की अबू धाबी में होगी, ठीक है क्या। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जब प्रश्न पत्र बन चुका हो तब COP26 पूछ लिया गया हो, उनको ना पता हो कि स्थगित होने वाली है, तो हो सकता है कि पूछ ले कहाँ होगा, तो आपको लगाना ग्लासगो है। लेकिन अब उनको पता चल गया होगा कि स्थगित हो गई है, तो वो COP28 पूछ सकते हैं। तो बोले अब COP27 कब होगी, 27 नहीं होगी, अब सीधे 28 होगी। क्यों? क्योंकि 27 ग्लासगो में होगी, तभी तो फिर 28 अबू धाबी में होगी, जो स्थगित हुई अगले साल होगी, समझे कि नहीं समझे। वो स्थगित इस साल के लिए हुई है, वो अगले साल होगी 27 बन के, तो 28 में फिर अबू धाबी में मिलेंगे। बात समझ में आई। सुंदरलाल बहुगुणा चर्चा में चिपको आंदोलन के जनक थे, हाल ही में निधन हो गए। सुंदरलाल बहुगुणा मुझे अच्छे से याद है, MPPSC चिपको आंदोलन पर लगातार क्वेश्चन पूछती रही है। 2015 में MPPSC ने पूछा था चिपको आंदोलन के प्रवक्ता प्रमुख व्यक्ति कौन थे, है ना, या चिपको आंदोलन जुड़ा है। तो गांधीवादी प्रमुख पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी COVID-19 से निधन हो गया, और ये चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रेरक शक्ति रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण रहे। हिमालय की ढलान पर पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, और ये पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था, आप इस शब्द को जरूर यहाँ लिख लें, पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था। और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो नाम है वो बेसिकली चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो रिसेंटली द सुंदरलाल बहुगुणा गांधीन एंड चिपको मूवमेंट लीडर डेट इन द ड्यू टू COVID-19 एंड इनिशिएशन ऑफ चिपको मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी। हमने आज ऑक्सीजन के लिए दौड़ भाग कर दी, सरकार परेशान हो गई, हमको महत्व तो समझ में आ गया पेड़ पौधों का, हमको COVID-19 ने बहुत कुछ सिखा दिया, हमें आत्म अनुशासन सिखा दिया, हमें डिसिप्लिन सिखा दिया, और वो तो बोल के गए थे, उनकी इस लाइन को हम समझ गए होते कि इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी। अर्थ तंत्र स्थायी तभी है जब आपकी पारिस्थितिकी स्टेबल है। तो पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था के वो जनक थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ही इज ऑल्सो द कॉइनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू द स्लोगन ऑफ दैट इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन। हमने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को खो दिया। 73 में इन्होंने चमोली जिले से चालू किया था, आजकल उत्तराखंड में, 73 में चिपको आंदोलन चमोली से चालू हुआ था। 73 में ये वो दौर था जब टाइगर प्रोजेक्ट भी चालू हुआ था, और चिपको का जो मतलब है वो आलिंगन है, और ग्रामीण अभी बसवासा के जो जंगल है वो भी चर्चा में, आपको पता होगा पन्ना में हीरे की खदान के लिए बसवासा के जंगलों को भी काटने पर विचार चल रहा है, तो चिपको 2 मध्य प्रदेश में भी चालू हो सकता है अगर अवेयरनेस लाई जाए तो। तो ये चिपको आंदोलन जो है पेड़ों से चिपक जाते थे गांव के लोग, और वनों के संरक्षण के लिए लामबंदी की जाती थी, और समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जा रहा था कि नहीं भाई पेड़ पौधों को बचाओ, एम्ब्रेंस करो, और पेड़ पौधों की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। और ये इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट विक्ट्री टू मेकिंग द पीपुल अवेयर द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट, ये बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाती है कि इन्होंने लोगों को जो है वनों पर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाए, वनों पर अपने अधिकारों के प्रति लोगों को इन्होंने जागरूक बनाया, इज द बिगेस्ट विक्ट्री कि इन्होंने अवेयर किया फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है A76 हिमखंड, A76 हिमखंड। आपको बता दूं मैं, जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको हिमखंड कहते हैं, जो सबसे बड़े टुकड़े होते हैं उनको गुंज बोलते हैं, उसके बाद जो थोड़े छोटे साइज के होते हैं उनको मिंडेल बोलते हैं, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, और जो छोटे साइज के होते हैं उसको रिश बोलते हैं, और जो बिल्कुल ही छोटे साइज के होते हैं उसको उर्म बोलते हैं। तो अब ये A76 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चर्चा में रहा है, और आइजिंग है ये, करीब करीब 4,320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था,
4320 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। एक प्रकार का हिमखंड है, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको हम पढ़ सकते हैं। तो अंटार्कटिका में एक बेडेल सागर है, अंटार्कटिका में एक बेडेल सागर है, बेडेल सागर, और वहाँ पर से ये हिमखंड जो है टूट गया और वहाँ से ये अलग हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, दुनिया का सबसे बड़ा ये हिमखंड है। और A76 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइस शीट, और मैंने बताया कि बर्फ़ के बड़े टुकड़ों को गुंज बोलते हैं, सेकंड वाले को मिंडेल बोलते हैं, थोड़े और छोटे उसको रिज बोलते हैं, सबसे छोटे को उर्म बोलते हैं। और ये सबसे बड़े साइज़ का दुनिया का हिमखंड है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, अंटार्कटिका के अंतर्गत रहा और वहाँ पर टूट करके गिर गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो भी हिमखंड होते हैं ये बर्फ़ पर खुले पानी में तैरते रहते हैं, और अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस महाद्वीप में जो है सबसे बड़ा हिमखंड था ये अंटार्कटिका के अंतर्गत। और यहाँ पर 22 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य नहीं दिखाई देता है ना, अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य दिखाई नहीं देता है, और 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य यहाँ कभी अस्त नहीं होता है ना। ये एक विशेष बात इस महाद्वीप के बारे में है। यहाँ की वनस्पति लाइकेन है, और यहाँ पे जो पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी उसको पेंगुइन बोलते हैं, पेंगुइन बोलते हैं। और A76 हिमखंड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखें आप। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है, और 2000 से UNO के द्वारा मनाया जा रहा है। पहली बार 92 में इस पर चर्चा हुई थी कि मनाया जाए, लेकिन 2000 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है We are the part for the solution of nature. हाथी परियोजना चर्चा में, प्रोजेक्ट हाथी, जैसे हम प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट हाथी चर्चा में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 से चलाया जा रहा है, 1992 से चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। और लगभग प्रोजेक्ट हाथी इसलिए चर्चा में क्योंकि अब तक पिछले 10 साल में 186 हाथी ट्रेन की चपेट में आने से मारे गए हैं, 186 एलिफेंट्स जो है ट्रेन की चपेट में आने से मारे गए हैं, इसलिए एक चिंताजनक स्थिति है। और सबसे ज़्यादा हाथियों की जो मृत्यु है वो असम में हुई है, करीब 62 के आसपास, असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा, असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा इस प्रकार के राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा हाथियों की मृत्यु हुई है। और 2010 को हमने राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया, इसे 2010 में हमने विरासत पशु घोषित किया इसे, और 92 से हमने प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम चालू किया, 92 से हमने प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम चालू किया, 92 से हमने प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम चालू किया, प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम हमने 92 से चालू किया। के आर राव इसके प्रणेता माने जाते हैं।